हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, दो बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों, जो लोग पांच धर्म वाला इंश्योरेंस कराए हैं और जो लोग नहीं कराए हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि अगर ये गलती कर लेते हो दोस्तों, तो पहले तो 400 धर्म फाइन आएगा ही आएगा जो लोग नहीं कराएंगे, लेकिन जो लोग कराए हैं वो भी अगर ये गलती कर देते हैं दोस्तों, तो उस पर 200 धर्म फाइन आने वाला है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है, जो भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको पता है दोस्तों कि लगभग 6 महीना पहले जनवरी से ही गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया था कि जो UAE में रहते हैं उनको सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस लाजिम कराना है। जो लोग नहीं कराएंगे 30 जून तक दोस्तों, उसे फ़ाइन आएगा 400 दरम। बाद में दोस्तों 30 जून के बजाय दोस्तों 1 अक्टूबर तक टाइम बढ़ा दिया गया, मतलब 3.5 महीना बढ़ा दिया गया है टाइमिंग। तो उसके अलावा दोस्तों इसमें 3-4 टर्म और कंडीशन है। जैसे 400 दरम फाइन जो लोग नहीं कराएंगे उनके लिए, बट दोस्तों जो लोग करा चुके हैं या जो लोग कराने वाले हैं उनको क्या, मान लिया आपने 1 साल का इंश्योरेंस कराया, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऑप्शन है, चाहो तो आप 1 महीने का भी करा सकते हो, 3 महीने का भी करा सकते हो, 6 महीने का भी करा सकते हो, 1 साल का, 2 साल का भी करा सकते हो। तो उसमें बताया गया है कि मान लिया आपने 1 साल का करा लिया और उसके बाद दोस्तों 3 महीने तक अगर आप नहीं भर पाते हो पैसे, मतलब 1 साल जिस टाइम आपको 1 साल पूरा, उसके 3 महीने के अंदर फिर से आपको लाजिम फिर से करा लेना है। अगर नहीं कराओगे दोस्तों तो उस कंडीशन में, मान ली 4 महीना हो जाता है, 5 महीना हो जाता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको 200 दरम एक्स्ट्रा फाइन लगने वाला है। लेकिन ये आप भूल में नहीं रहना दोस्तों कि मान ली मैं 1 साल का करा लिया और मेरे को मान ली दूसरे कंपनी में मेरा वीज़ा लग गया, तो क्या ये इंश्योरेंस कंटिन्यू रहेगा? तो लाजिम ये दोस्तों, ये इंश्योरेंस आपको कंटिन्यू रहेगा UAE में, जब तक आप हो तब तक आपको ये इंश्योरेंस आपको लाजिम कराते रहना है। आपको ऐसा नहीं कि हाँ 4 महीना बैठ गए तो ऐसा नहीं मेरा वीज़ा नहीं लगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। आपका इंश्योरेंस अगर इसमें बचता है कुछ टाइम, तो दूसरे कंपनी में अगर आप जॉब चेंज कर लेते हो या दूसरे कंपनी में आते हो तो वो आपका उसमें इंक्लूड हो जाएगा, मतलब कटिंग नहीं होगा। यहाँ जब तक रहोगे तब तक ये इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो लाजिम अगर आप ऐसे कर रहे हो दोस्तों, तो वो ख्याल डेट याद रखना, उस 3 महीने के अंदर दोस्तों आप फिर से लाजिम रिन्यूअल कराने ला। नहीं तो अगर बहुत सारे लोग भूल जाते कि मैं कब कराया, मेरा टाइम हुआ कि नहीं, तो उस कंडीशन में फिर से अगर दोबारा आप इंश्योरेंस कराने जाओगे तो उस पर आपको 200 दरम एक्स्ट्रा फाइन लगेगा। तो ये अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं रहता कि मैंने पिछले टाइम कब कराया था और कब से मेरा चालू है, इसलिए ये सब बातों का ख्याल ज़रूर रखना। अभी तक आपने कराया है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि इसमें लगभग 46 लाख लोग UAE के अंदर, अभी भी लगभग 15 से 20 लाख लोग दोस्तों बाकी है, इसीलिए दोस्तों टाइम गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, वो 1 अक्टूबर तक ये इंश्योरेंस कराने का टाइम डाल दिया। जो लोग नहीं कराएंगे उस पर अभी भी 400 दरम लाजिम फाइन आने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।